ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली मुरादाबाद द्वारा एक दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम साईं विद्यापीठ कन्या इंटर कॉलेज मानसरोवर कॉलोनी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को आज के युग में किस तरीके से मानसिक तनाव से दूर होकर जीवन व्यतीत करना तथा पढ़ाई करनी चाहिए ये बताया गया और खुश होने के तरीके बताए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर सुनील चौधरी तथा डॉक्टर कुमार मंगलम उपस्थित रहे। विद्यालय के मैनेजर जयश्री खन्ना उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर गीतिका नागर ने किया तथा संस्था की अध्यक्ष रीता सिंह ने बताया कि बच्चों को खुश मिजाज रहना चाहिए और बिना किसी तनाव के अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के अभिभावकों को भी बच्चों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कार्यक्रम में संस्था की सदस्याएं उपाध्यक्ष नीता मलिक, सचिव डॉक्टर रूपा घोष, संयुक्त सचिव एकता जैन, भावना सरन, सुधा त्रिपाठी, पूनम जौहरी आदि मौजूद रहे। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए रीता सिंह ने बताया कि समाज में जागरूकता के संदेश देने के साथ साथ छात्राओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित कार्य को लेकर भी हमारी संस्था काम कर रही है। आज इसी विषय को लेकर ये कार्यशाला संपन्न कराई गई। सिटी चैनल से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, आज ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस मुरादाबाद की ब्रांच के द्वारा एक दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन साईं विद्या इंटर कॉलेज मानसरोवर कॉलोनी में हमने आयोजित किया था और इसमें हमारे दो स्पीकर और हमारी गेस्ट के रूप में जयश्री जी यहाँ पर, जिनका ये विद्यालय है और उन्होंने काफ़ी सहयोग हमें हमेशा देती रही हैं, उनको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया था। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर कुमार मंगलम और को रोक लो, दूसरे हमारे डॉक्टर चौधरी, हाँ चौधरी साहब जो कि केजीके कॉलेज के प्राचार्य हैं, वो आए थे। दोनों ही मनोवैज्ञानिक हैं और उनकी काफ़ी अच्छी अप्रोच है, काफ़ी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने बड़ी सरल भाषा में हमारे इंटर के बच्चों को बहुत अच्छी तरह मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया। इसके अलावा और बच्चों के ऐसे कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य रहता है आपका? बच्चों का इस प्रकार के कार्यक्रम करना बहुत आवश्यक है क्योंकि आज के समाज में हमारी मानसिक अस्वस्थता बढ़ती चली जा रही है। हमारे समाज में इतनी दुष्टता आ गई है कि हर बच्चा परेशान है, इतनी समस्याएं आ गई हैं कि वो हमेशा मानसिक रूप से ग्रस्त रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या ग्रस्त के कारण हैं, कैसे हम अपनी मानसिक स्वस्थता को अच्छा स्वस्थ बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और इस तरह का पूरा अच्छा ज्ञान इन्होंने देकर हमारे बच्चों की बहुत सी जो मुश्किलें उनके सामने आती हैं, एक साधारण सी की परीक्षा के समय बच्चे बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। उसको इन्होंने बड़ी सरल भाषा में ये बताया कि हमें परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए, हमको उसको सरल रूप से लेना चाहिए और इसकी वजह से ही आगे वो सक्सेस हो सकते हैं, सफल भी होते हैं। मैम बच्चों के बीच में आगे भी इस तरह के वो कार्यक्रम? हाँ जी बिल्कुल, हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम बराबर हमारी AIWC के द्वारा होते रहते हैं। स्कूलों में हर महीने एक या दो प्रोग्राम हम बच्चों को अवेयर करने के लिए करते हैं। बच्चों और पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे? हम पेरेंट्स और बच्चों से यही अपील करना चाहते हैं कि जो ज्ञान उनको यहाँ मिलता है उसको अपने जीवन में समाएं। ऐसा नहीं है कि वो अपने ज्ञान को यहाँ से बाहर निकलते ही ख़त्म कर दें। हमें इसीलिए उनको एक डायरी, नोटबुक देते हैं, पेन देते हैं, ताकि वो अच्छी अच्छी बातों का अपने पास लिख कर रखें, ताकि समय समय पर याद करें, तो उनके जीवन में बहुत उपयोगी हो सकती है।